उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आज के समय 800 अरब संपत्ति के मालिक हैं। उत्तर कोरिया के राजा किम जोंग उनकी अय्याशियां देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। हमारे चैनल हिंदी नॉलेज में आपका स्वागत है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास बेशुमार संपत्ति और ताकत हो। ऐसे लोगों की लिस्ट में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का नाम भी आता है। आज हम आपको बताएंगे कि किम जोंग उन अपनी अरबों की संपत्ति कहां पर खर्च करते हैं। किम जोंग उन को अक्सर महंगी लग्जरी कारों में सफर करते हुए देखा जाता है। ये कोई आम गाड़ियां नहीं है। किम जोंग उन की सभी गाड़ियां एक से बढ़कर एक है। किम जोंग उन के पास रॉयल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी सभी कारें हैं। इन कारों की कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। किम जोंग उन कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। ये एक सनकी तानाशाह है जिसने 2016 में अपने सगे चाचा को ही फांसी पर चढ़ा दिया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि किम जोंग ने अपने सगे भाई को मलेशिया में ही मरवा दिया था क्योंकि वो किम की कुर्सी के लिए खतरा बन सकता था। उसी साल किम जोंग की सरकार के अनुसार अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने किम जोंग पर बायोकेमिकल हमला करने की साजिश बनाई थी। उस खबर के बाद किम जोंग ने अपनी सख्त सिक्योरिटी को और भी सख्त और कठोर बना लिया। किम सिक्योरिटी में शामिल सभी सिपाही सख्त ट्रेनिंग के मार्शल आर्ट्स होते हैं जो हमेशा किम की गाड़ी के इर्द गिर्द जॉगिंग करते हैं। जब भी किम जोंग गाड़ी धीरे होती है सिपाही पलक झपकते ही कारों को चारों ओर से घेर लेते हैं। किम जोंग जब भी सफर करता है तो उसके साथ दो प्राइवेट प्लेन चलते हैं जिससे किसी को मालूम ना हो कि किम जोंग किस प्लेन में बैठा हो। इसी के साथ उत्तर कोरिया के 90,000 सिपाही किम जोंग की जाति तौर पर सुरक्षा के लिए 24 घंटे हमेशा उसके साथ रहते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि किम जोंग की सिक्योरिटी पर कितना खर्च आता होगा। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा रखी है फिर भी किम जोंग उन के पास एक लग्जरी याच है जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये याच किसी 7-स्टार होटल से कम नहीं है। सभी अमीर लोगों की तरह किम जोंग को भी शराब की बुरी आदत लगी हुई है। किम जोंग उनकी पसंदीदा शराब विस्की और कॉग्नैक है जो दुनिया भर से इंपोर्ट करता है सिर्फ अपने लिए। उत्तर कोरिया में आम नागरिक को शराब पीने पर मनाही है। कहा जाता है कि किम जोंग एक ही बार में शराब की 2 बोतल घटक जाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन एक साल में 30 मिलियन की शराब पी जाते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी गुजारने की कोई हद नहीं होती। किम जोंग उन के पास अपना खुद का एक प्राइवेट आईलैंड भी है। इस आइलैंड पर स्विमिंग पूल, एक प्राइवेट याच, वाटर प्लांट, स्लाइड, थीम पार्क और एक फुटबॉल पिच भी है और एक बहुत बड़ा होटल भी है। इस आइलैंड पर वो अय्याशियां होती है जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लोगों का मानना है कि ये आइलैंड किसी 7-स्टार होटल से कम नहीं है। इस आइलैंड पर किम जोंग अकेला अय्याशी करना पसंद करता है। किम जोंग उन के पास काफी सारी प्राइवेट प्लेन भी है जो किसी होटल से कम नहीं है। दुनिया भर में ट्रेवल करने के लिए किम जोंग हमेशा अपने प्राइवेट प्लेन का ही इस्तेमाल करता है। किम जोंग उन के पास एक IL-76 है जिसका उपयोग किम जोंग अपनी कार के लिए करता है जिससे किम जोंग किसी भी देश में जाता है तो उसकी कार उसके साथ ही जाती है और उसके सभी सिपाही भी उसके साथ होते हैं। इन सब के अलावा किम जोंग के पास एक प्राइवेट ट्रेन भी है जो अंदर से दिखने में किसी होटल से कम नहीं है। हालांकि कभी किसी ने इस ट्रेन के अंदर से तस्वीर नहीं ली है। इस ट्रेन में कुल 21 डब्बे हैं जिनका रंग हरा है। इस ट्रेन की बॉडी और शीशे बुलेट प्रूफ है ताकि किम जोंग उन इसमें महफूज रह सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।